वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा, आला सतह इजलास की सदारत की, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुसलाफात के अफसरान समेत सीनियर वफाकी वज़रा की शिरकत। हुकूमत नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत है, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलवा लूंगी। आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ ही नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं सिलेक्टेड वजीर आजम ने कश्मीर का सौदा किया, ये मुल्क में जौहरी प्रोग्राम के कस्टोडियन नहीं। खवातीन के लिबास से मुतालिक वजीर आजम के बयान पर लीगी नायब सदर बोली, ये इमरान खान की मुजरिमाना सोच की अक्कासी है, मुजरिमान की को हौसला मिलेगा। अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी क्या है, हुकूमत पार्लियामेंट में बताए, पॉलिसी ठीक ना हुई तो खच्चा है, दहशतगर्दी बढ़ेगी, पाकिस्तान के मफाद में पहले बात करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन के एतराजात पर ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार। अफगान अमन अमल में शराकतदार बनेंगे, लड़ाई में हिस्सेदार नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू, कहा अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक की सूरत हाल बन चुकी जो खतरनाक साबित हो सकती है। माजी के फैसलों को देखते हुए अमरीका फौजी अड्डे ना देने का फैसला किया, इनकार ने पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। आमदन से ज्यादा सासों का केस, नून लीग रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर, लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने रिहाई का हुक्म दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने सियासी इंतकाम का मुकाबला किया मगर नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ा। मरियम नवाज का ट्वीट, शहबाज शरीफ का भी इजहार तशक्कुर, कहा ख्वाजा आसिफ सियासी इंतकाम की अफसोसनाक रिवायत का निशाना बने। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सिक्योरिटी रेंजर्स की सपोर्ट होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पर वफाकी वज़ीर दाखला ने मंजूरी दे दी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में रेंजर्स अहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का दौरा, तुर्क वजीर दिफा जनरल होलूसी आकार से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी तआवुन से मुतालिक उमूर पर बातचीत, खेते के अमन इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू, कमांडर तुर्किश जनरल स्टाफ और जमीनी अफवाज के सरबराह भी मुलाकात में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।